प्रदेश के पंचायत चौकीदारों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बजट में चौकीदारों के लिए नीति न बनाए जाने और वेतन में वृद्धि न होने से पंचायत चौकीदार भी नाराज चल रहे हैं। प्रदेश पंचायत चौकीदार संघ ने मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। पंचायत चौकीदार संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद ने कहा कि जब से पंचायतों का गठन हुआ है चौकीदार तभी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन न तो उनके वेतन में वृद्धि हुई है और न ही उनके लिए कोई नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वे पंचायतों में 9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी देते हैं और उनसे अन्य सेवाएं भी ली जाती हैं। पिछले साल उनकी फाइल कैबिनेट में गई थी लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। पंचायत चौकीदार 2 दिन की हड़ताल पर हैं। अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं पंचायत चौकीदार संघ का प्रेसिडेंट श्री जगदीश चंद जी, जिला मंडी से हूँ। तो हमारी जो 1959 से पंचायतों का गठन हुआ था और 71-72 में पंचायतें बनी थी, केवल पंचायतों में 2 ही कर्मचारी हुआ करते थे, एक सेक्रेटरी और एक चौकीदार। चौकीदार तो चौकीदार ही है। 1972-74 से लेकर के आज 2021 हो गया, वो पंचायत चौकीदार का ना तो पार्ट टाइम है, ना तो वो फुल टाइम है, ना तो उसकी कोई पॉलिसी बनी है, ना तो वो दिहाड़ीदार है। ड्यूटी उसकी है सवेरे 9 बजे से और शाम 5 बजे तक। पंचायत को खोलना भी चौकीदार का काम है और बंद करना भी चौकीदार का काम है, और जो भी सफाई वगैरह करनी वो भी चौकीदार का काम है। और जैसे कि ग्राम सभा होती है, वो गांव-गांव में जा करके जो है लोगों को सूचित करना भी पंचायत चौकीदार का काम है। ऐसा कानून बना कि मतलब पंचायत चौकीदारों को बोला कि वो कोर्ट में जाएं और जो समन होंगे कोर्ट के, वो भी पंचायत चौकीदार के माध्यम से वो घर घर में पहुंचाएं। 1998 में समन का रेट 10 रुपए था और पंचायत चौकीदार को खाने के लिए 25 रुपए मिलते थे 1998 में। आज 2021 हो गया, 1998 में 25 मिलते थे, आज 2021 हो गया वो 25 के 25 रह गए। कई जगह 25 रुपए भी नहीं मिल रहे। एक मिनट ने जो है वो सरकार से मांग की थी कि मतलब 2020 में 24 फरवरी को कैबिनेट में हमारी पॉलिसी की फाइल लगी थी, उसको जो था वो सीएम ने डिफेंस कर दिया था किसी कारणों बस। तो आज 1 साल 3 महीने हो गया, उस फाइल का कोई अता पता नहीं है, कहाँ वो फाइल है, ना वो पॉलिसी है, ना वो कुछ ना काम है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जैसे और विभागों के चौकीदारों की पॉलिसी बनाई गई, वैसी ही पंचायत चौकीदार की भी पॉलिसी बनाए, वो भी तो एक चौकीदार ही है। अगर आपकी मांगे आज और कल जो है हमारा धरना प्रदर्शन होगा, और कल जैसे ही सरकार हमारे से क्या बोलेगी उसके बाद हम कल की रणनीति तैयार करेंगे, कल के बाद अगली जो रणनीति है वो तैयार करेंगे।